की कंपनी है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, चोला इन्वेस्ट एंड फाइनेंस पे खरीदारी की, राइट। शॉर्ट टर्म टारगेट बता दूं 1220, 1220 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है, और पोजिशनल टारगेट या लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 1425 का, 1425। एनबीएफसी की कंपनी है, सेमी अर्बन सेमी रूरल साइड में ज्यादातर काम करती है। व्हीकल फाइनेंस 60% के करीब का रेवेन्यू है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं लैप, ये करीबन 20% का आज रेवेन्यू है। एयूएम 40% से ग्रो हो रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोन ग्रोथ सीएजीआर 30% से ग्रो होंगे आने वाले 2 सालों के लिए। ये नए नए बिजनेस और सेगमेंट्स में एंटर कर रही है, जैसे कि एसएमई सेगमेंट में आ रही है, कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में आ रही है, बिजनेस लोन पर्सनल लोन में जा रही है, जो सिक्योर्ड बिजनेस लोन पर्सनल लोन होती है। तो ये सारी जो नए बिजनेस में एंटर कर रही है, इसके कारण कंपनी समझती है 10 से 12 साल के जो ग्रोथ है, फास्टर देन 10 से 12 साल के ग्रोथ पे आएगी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। 1220 का पहला टारगेट और पोजिशनल टारगेट 1425। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने का। एनबीएफसी स्टॉक्स वापस सेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं।